हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल नई रेसिपी, मैगी के मंचूरियन। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। आइए देखें कैसे बनाते हैं। मैगी के मंचूरियन बनाने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए मैगी। मैंने यहाँ पर 3 पैकेट मैगी के लिए हैं और मैगी के पैकेट्स को मैंने हल्का हल्का ट्विस्ट करके तोड़ लिया है। अब मैं कढ़ाई लूँगी, गैस ऑन करेंगे, हाई मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और उसके अंदर डालेंगे 2.5 कप पानी। अब हम इसमें डालेंगे अपनी वेजिटेबल्स। मैंने यहाँ पर 1/2 कप गाजर ली है, उसको बारीक बारीक काट लिया है और वो मैंने यहाँ पर डाले हैं। इसके साथ ही मैंने 1/2 कप प्याज भी बारीक काट के डाल दिए हैं। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल दूँगी और अब जब इसमें पानी में उबाल आ जाए तब हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला। मैंने यहाँ मैगी के 2 सैशे डाले हैं। आप इसमें कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ गाजर, शिमला मिर्च और प्याज लिए हैं। आप चाहें तो कॉर्न और बीन्स भी डाल सकते हैं। मैगी मसाला डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। आपको जितना भी मंचूरियन के लिए नमक चाहिए या कोई मसाला इसमें ऐड करना है तो आप इसी टाइम पर डाल सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ नमक डाला है। अब मैं इसमें मैगी नूडल्स भी डाल दूंगी। मैंने यहाँ पर 2.5 पैकेट मैगी नूडल्स डालने हैं। ये देखिए, 1/2 पैकेट हम अलग से रख लेंगे और उसको अच्छे से क्रश कर लेंगे, अच्छे से तोड़ लेंगे इसको। ये हमें चाहिए मैगी बॉल्स को कोट करने के लिए। मैगी में अभी बहुत पानी है, इसको मैंने तब तक पकाना है जब तक इसका पानी अच्छे से सूख ना जाए। आप देख रहे हैं काफ़ी पानी सूख चुका है। हम इसको हल्के हाथ से चलाएंगे। ये देखिए, पानी बिल्कुल सूख गया है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसको 4 से 5 मिनट तक के लिए ठंडा होने देंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर। मैगी वैसे भी काफ़ी स्टिकी और सॉगी होती है और ये वैसे भी इकट्ठी हो जाती है, लेकिन बाइंडिंग के लिए हमें कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही जो हमारा 1 सैशे रह गया था मैगी मसाला का, वो भी हम इस टाइम पर डाल देंगे। अगर आपको लगे कि आपके मैगी में नमक या कोई मसाला आपने डालना है तो आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं और उसको अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। बहुत जल्दी हो जाता है ये। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे, मैगी का मिक्सचर लेंगे हाथ में और हल्के हाथ से हमने बॉल बनानी है। एक राउंड बॉल बना लेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से और जो मैगी का हमने चूरा किया था उसको इसके ऊपर कोट कर देंगे। इससे हमारे मैगी मंचूरियन बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे, इसीलिए हमने 1/2 पैकेट मैगी अलग से क्रश करी है।
इसी तरीके से एक और बॉल बनाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। तेल हाथ में इसलिए लगा रहे हैं कि मैगी काफ़ी स्टिकी है और आपके बिना तेल के आपके बॉल नहीं बनेंगे। आपने देखा इसमें, इस पर भी मैंने मैगी क्रश लगा लिया है। देखने में ये बहुत अच्छे लग रहे हैं और सेम प्रोसेस से हम सारे मैगी बॉल्स बना लेंगे। आप देख रहे हैं काफ़ी सारे बन गए हैं। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें तेल डाला है और उसको गर्म कर लिया है। इसके अंदर मैं सारे मैगी बॉल्स डाल दूंगी और इसको फ्राई कर लूंगी। मैंने इनको गोल्डन फ्राई करना है ताकि ये बाहर से थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। मैगी तो खाने में ही वैसे ही बहुत टेस्टी होती है और बाहर से अगर क्रिस्पी होगी तो ये खाने का इसका अपना अलग ही मज़ा है। बस इसको हम पलट पलट के गोल्डन फ्राई कर लेंगे। हमने कॉर्नफ्लावर इसीलिए डाला था कि हमारे मैगी बॉल्स कढ़ाई में जाकर खुल ना जाएं या टूट ना जाएं। आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से मैगी बॉल्स बने हैं, बाहर से क्रिस्पी हो गए हैं और देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ही हम बाकी बचे हुए मैगी बॉल्स भी कढ़ाई में डाल देंगे। मंचूरियन तो बहुत बनाए होंगे आपने, लेकिन ऐसे मंचूरियन बनाएंगे तो घर में सब कहेंगे भाई वाह क्या बनाए हैं। अब देखिए मैंने अपना सेकंड बैच भी फ्राई कर लिया है और उसको भी मैंने टिश्यू पर निकाल लिया है। और ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखिए बाहर से कितने क्रिस्पी हैं। अब हम फिर से एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। यहाँ पर हम इसमें डालेंगे अपनी वेजीज, अपनी सब्जियाँ, आप कोई भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 प्याज, 1 शिमला मिर्च और 1 गाजर को डाला है। प्याज और शिमला मिर्च के मैंने क्यूब्स कट कर लिए हैं और गाजर के मैंने लंबे लंबे पीसेस काट लिए हैं। इसको हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे क्योंकि इसको हमने पूरे अच्छे से नहीं पकाना। अब हम इसमें अपनी सॉसेस डालेंगे। हम यहाँ पर डालेंगे 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप। गैस मैंने लो मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सिरका। इसके साथ ही डाल देंगे ग्रीन चिली सॉस, वो भी 2 टेबलस्पून। अब हम इसमें सोया सॉस भी डालेंगे 2 टेबलस्पून। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस 1 टेबलस्पून। इसको हिलाएंगे। यहाँ पर आप चीनी भी डाल सकते हैं 1/2 चम्मच। मैंने नहीं डाली है क्योंकि मुझे इसको चटपटे करारे ही बनाना है।
अब मैं इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार। याद रहे कि सोया सॉस में भी काफ़ी नमक होता है। इसके साथ हम इसमें डालेंगे एक छोटा टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अच्छे से हिलाएंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी। मैं ड्राई मंचूरियन बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें 1/4 कप पानी डाला है। जब हमारे पानी में एक उबाल आ जाएगा तो हम इसमें अपने मैगी बॉल्स डाल देंगे। अभी मैंने इसको अच्छे से हिला लिया है, अब मैं इसमें अपने मैगी बॉल्स डाल दूंगी। आप देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसको हम हिला देंगे। मैगी मंचूरियन हमारे रेडी हो गए हैं। कलर बहुत अच्छा आया है। जितने ये देखने में अच्छे लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। देखिए बहुत बढ़िया लग रहे हैं देखने में। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपने अभी तक मुझे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।